आज बाबा कहते हैं, आप बच्चों का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ जाएंगे, साथ चलेंगे। हाँ, किया है ये वायदा, किस किस ने वायदा किया है? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। करना ज़रा वायदा सभी। हाँ, सभी बोलो, माइक ऑन करो और बोलो। साथ हाँ, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओके, तो ये जो वायदा है ये दिल से किया है। हाँ, सबने दिल से वायदा किया है। ये वायदा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ज्ञान मार्ग से पहले बाबा के साथ भी जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा कंडीशनल होता है ना? बाबा के साथ रहना, चलना, जाना, ये बातें कभी वैसे सोची नहीं थी, है ना? भगवान को क्यों याद करते हैं दुनिया में? इसलिए याद करते हैं कि तुम आओ, तीन वरदान दो और जाओ, है ना? रह मत जाना। हाँ भगवान को कोई कहता है मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, मेरे हम तुम्हारे ही साथ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और मानो उसको भी कह दें कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ चलो, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा, ऐसा वायदा कभी पहले नहीं करते, है ना? और भगवान के साथ जो संबंध होता है वो यही होता है कि हम तो मनुष्य के साथ रहेंगे, जिएंगे, चलेंगे, और आप जो है वो हमारी ज़रूरतें पूरी करो, है ना? और फिर अगर ज़रूरत पूरी नहीं होती तो फिर हमारी डांट भी सुनो, है ना? हमारे उलहने भी लो, है ना? तो ये भी जैसे एक बात चलती है पहले। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम्हें ये नई रस्म सिखाता हूँ। ये नई रस्म जहाँ बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा साथी नहीं, तुम मेरे साथी बनो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ चलो, है ना? मैं जितने बजे उठता हूँ तुम उठो, है ना? ऐसे नहीं तुम जितने बजे उठे जोत जला लो, नहीं, मैं जितने बजे उठता हूँ ना तुम आत्म दीप जगा के बैठो, मेरे साथ चलो तुम। उसके साथ चलना आता है? उसके साथ चलना माना उसके जैसे स्थिति होनी चाहिए। किसी के साथ रहने के लिए, चलने के लिए उसके समान बनना पड़ता है। अगर हम समान नहीं हैं, है ना? देखना कभी कभी ना, जैसे कोई ऑफिसर होते हैं बहुत तेज़ चलते हैं, है ना? दुनिया में भी जो बड़े व्यक्ति होते हैं बड़े तेज़ चलते हैं, तो उनके साथ किसी को चलना होता है ना, तो उसको तो चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है 5 दिन पहले, नहीं तो पता चला वो चले गए आगे, आप पीछे ही रह गए। तो यहाँ तो बाबा है, सर्वशक्तिवान है, तो उसके साथ रहना, उसके साथ चलना, उसके साथ जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, है ना? और बाबा कहते कि ये जो एक तो बात है पुरुषार्थ की, दूसरी बात है अपना जो संस्कार है, जो संस्कार हम पीछे से लेकर आते हैं, जहाँ हमारे को बाबा को छोड़ने की एक आदत पड़ी हुई है ना? दुनिया में क्या रस्म है कि भगवान से मांगो, पूरा ना हो तो भगवान को छोड़ दो, है
यही तो करते हैं, पहले हम पूजा करते थे आजकल नहीं करते, पहले हम फलाने मंदिर जाते थे आज नहीं जाते, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि ये बात सोची थी ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो भगवान के साथ भी जो है बड़ा कंडीशनल रिलेशनशिप रहता है, भगवान और भक्त का रिलेशनशिप बड़ा कंडीशनल होता है। जहाँ पर मन्नत पूरी हुई, इच्छा पूरी हुई, तो फिर वो भगवान नहीं तो नहीं, ऐसा ही रहता है ना। हाँ, आज तक तो ऐसा ही रहा है। तो यहाँ भी जब हम आते हैं बाबा के पास, तो बाबा हमें हर चीज़ की समझ देते हैं। तो बाबा हमें सबसे पहली चीज़ जो आज मुरली में भी पहले समझाते हैं, वो ये है, मैं तुम्हारा मात पिता हूँ। बाबा कहते, तुम्हारा मेरा संबंध भक्त और भगवान का नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध मात पिता और बच्चे का है। और मात पिता और बच्चे का संबंध कंडीशनल नहीं होता। ऐसा होता है क्या, पिताजी खिलौना लाके देंगे तो पिताजी है, नहीं तो नहीं। हाँ, कल से कैंसिल पिताजी, ऐसा होता है? आजकल तो होने लगा है। हाँ, पिताजी माँ भी कैंसिल हो जाते हैं, है ना। आजकल तो लौकिक संबंध में भी मात पिता और बच्चे का संबंध जो है वो प्राप्ति ना हो तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन बाबा कहते, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। लौकिक मात पिता के साथ जो बच्चे का संबंध होता है, वो चाहे कैसा भी, है ना, मात पिता कैसे भी हो, बच्चा कैसा भी हो, वही मात पिता होते हैं। हम कई बार सुनते हैं, मानो कोई मात पिता है, अब वो पिता शराब पिए या मारे, जो भी करे, तो भी बच्चा क्या कहता है, तो मेरे माँ बाप ही ना, तो जो भी हो हमें उनके साथ चलना होता है। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, ये भी जो रस्म बनी है कि मात पिता को बच्चे फारकती नहीं देते, मात पिता को बच्चे ऐसे, है ना, कैंसल नहीं करते संबंध, ये रस्म वास्तव में शिव बाबा के साथ हमारे हम बच्चों की है ना। कि बाबा को एक बार जान लिया, पहचान लिया कि ये मेरा मात पिता है, तो फिर ये संबंध अविनाशी हो जाना चाहिए। फिर जब से जाना तब से संगम युग के अंत तक हमें बाबा का बनकर रहना है, बाबा के साथ चलना है, बाबा के साथ जाना है ना। सबने बाबा को पहचान लिया कि ये मेरे मात पिता हैं, शिव बाबा ब्रह्मा माँ को पहचान लिया। किस किस ने पहचान लिया कि यही मेरे माँ बाप हैं। हाँ, तो कोई कोई हाथ उठा रहे हैं, कोई कोई नहीं भी उठा रहे हैं ना। लेकिन कैसे पहचानते हैं, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा, आपको कैसे पता चला कि ये मेरे माँ बाप हैं, तो मैंने कहा, आपको लौकिक माँ बाप का कैसे पता चलता है, तो उन्होंने कहा, डीएनए टेस्ट होता है उसका। तो मैंने कहा, आपने टेस्ट कराया है? तो कहते, नहीं मतलब कराया नहीं है पर हो सकता है। तो मैंने कहा, मैं वो नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ आपको पता कैसे चला ये मेरे लौकिक मात पिता हैं। तो कहते, अब बचपन से उन्हीं को देखा है, वही पाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्यार से ही तो पता चलता है ना, माँ बाप के सिवाय कोई किसी को प्यार पालना देता है? हाँ, देता है। कोई मुस्कुरा के देखेगा, पूछेगा? नहीं। मनुष्य आएगा, सहानुभूति जताएगा, चला जाएगा, खाना कपड़ा छत तो माँ बाप ही देंगे। है ना। तो जैसे बाबा, तो जैसे लौकिक मात पिता को हम कैसे पहचानते हैं, जो पालना करते हैं वो मात पिता होते हैं, है ना, सिंपल सा नियम है। ऐसे पारलौकिक मात पिता को या ब्रह्मा बाबा को या मम्मा को कैसे पहचानते हैं? अगर ये मात पिता नहीं होते तो हमारे लिए इतना करते क्यों, है ना। हम आत्मा को फर्श से उठा के अर्श पे क्यों बिठाते, है ना। इतना प्यार, इतनी पालना, इतना स्नेह, इतना आत्मा को ज्ञान गुण से सींचना, रोज आत्मा को इतना भोजन देना, आत्मा को इतनी शिक्षाएं देना, ये क्यों करते अगर ये मात पिता नहीं होते। तो
बाबा की पालना को जब हम देखते हैं तो हमें निश्चय हो जाता है कि ये मेरे मात पिता हैं, और जब हम मात पिता को पहचान लेते हैं तो फिर एक बार मात पिता को पहचान लिया फिर वो संबंध अविनाशी हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि एक साल के बाद आप सोचे, कभी सुना है 5 साल के बच्चे को कहते, 5 साल तो मुझे लगता था कि ये मेरे मात पिता है लेकिन अभी थोड़ा डाउट होता है, ऐसे कोई कहता है? नहीं। एक बार मात पिता को पहचाना तो वही रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुमने जब मुझे पहचान लिया तो ये एक जन्म मेरा बनकर रहना है, मेरे साथ चलना है, मेरे साथ जाना है। ये जो वायदा है ये हमारा पक्का हो जाना चाहिए। फिर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लौकिक से विघ्न आए, अलौकिक से विघ्न आए, चाहे हमारे शरीर से विघ्न आए, धन से विघ्न आए, कोई भी चीज़ आए, लेकिन ये संबंध जो है मात पिता के साथ रहना, उसका बनकर चलना, ये संबंध हिलना डुलना नहीं चाहिए, है ना। दुनिया में भी आप देखो मात पिता बच्चे होते हैं तो बच्चा चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो सारा परिवार मिलके फेस करता है ना। ऐसा थोड़ी होता है सुख के दिन में साथ रहते हैं, दुख के दिन में छोड़ देते हैं, ऐसा होता है? हाँ, दुख आया तो बच्चा कहेगा जाओ अभी तुम मेरे कुछ कर नहीं रहे हो मैं जाता हूँ, या मात पिता कहेंगे अभी दुख के दिन है तो बच्चे तुम जाओ दूसरा मात पिता ढूंढ लो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बाबा कहते हैं कैसा भी कैसी भी बात हो, ड्रामा में कैसी भी सीन हो, है ना, हमें तो बाबा का बनकर रहना है, बाबा के साथ जीना है और बाबा के साथ ही वापस जाना है। इतना हमने पक्का वायदा कर लिया हो। ये जो पक्का वायदा है ना इसका बहुत महत्व है ब्राह्मण जीवन में, और मैं आपको ये बात अनुभव से बताती हूँ। क्योंकि जब आत्मा ने ये पक्का वायदा कर लिया होता है ना तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, माया का दरवाज़ा बंद हो जाता है ना। आपने शब्द सुना है ना संकल्प विकल्प, है ना, विकल्प माना, विकल्प का एक एक मीनिंग होता है ऑप्शन, जहाँ दूसरा ऑप्शन खुला होता है ना वहाँ सारी माया आती है ना। जब जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना। देखो हमें कोई जैसे कोई बात आ जाती है, कोई पेपर आता है, कोई पूछते हैं आप क्या करेंगे तो हम कहते हैं अमृत वेला करेंगे, मुरली सुनेंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे और सेवा करेंगे। जो हम करते हैं वही करेंगे, क्योंकि दिनचर्या मनचर्या जीवन ये तो फिक्स हो गया ना, इसमें तो कोई अंतर है नहीं। बाकी चाहे धूप हो छाव हो, अच्छी परिस्थितियां हो बुरी परिस्थितियां हो, है ना, चाहे रात जागे हो चाहे लेट सोए हो जल्दी सोए हो, हमें तो उतने ही बजे उठना है। तो बाबा कहते हैं ये जो साथ चलना, साथ जीना, साथ जाना, ये जो हमने वायदा किया है ना बाबा के साथ, इस वायदे से हमें बहुत शक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं ये जो वायदा है ना ये तुम्हें निरंतर योगी, सहज योगी और कदम कदम श्रीमत का बल का अधिकारी बना देता है। क्योंकि कुछ भी हो जाए जब हम जानते हैं हमें बाप का बनकर रहना है और बाप की श्रीमत पर चलना है, और मुख्य श्रीमत तो है ही याद की, तो जब हम बाबा की याद में निरंतर रहते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं, और बाबा कहते हैं सदा सहयोगी भी रहते हैं, क्योंकि बाबा जब हम बाबा के बने हैं तो मैं बाबा का, मेरा सब कुछ बाबा का है, तो ना कभी योग में अंतर पड़ता है ना सहयोग में अंतर पड़ता है ना। जब हम निरंतर योगी और निरंतर सहयोगी, सदा सहयोगी बनकर रहते हैं तो जो भी बीच में बादल आते हैं, जो भी बातें आती हैं वो छंट जाती हैं, और फिर है ना आप और बाप रह जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब जब माया आती है तो माया पर विजय पाने के लिए हमें कौन चाहिए, बाबा चाहिए।
योग का बल चाहिए, सेवा का बल चाहिए। और अगर पक्का वायदा बाबा से है तो हमारा योग नहीं टूटता, हमारी सेवा नहीं बंद होती, और उसके बल से हम विघ्न को भी पार कर लेते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो वायदा करके चलते हैं और जो सदा बाप के संग संग रहते हैं ना, वो ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं, है ना। क्योंकि फरिश्ता तब बनते हैं जब ऊपर नीचे नहीं होते, है ना। दुनिया में क्या है, विघ्न आया तो सबसे पहले बाबा को छोड़ देते हैं, है ना। विघ्न आया तो सबसे पहले बाबा पे क्या क्यों शुरू हो जाता है। लेकिन बाबा कहते विघ्न आता है तो मुझ पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओ, मेरे साथ रहो। और जब तुम मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ रहना माना बाबा मदद करो करना नहीं होता, मेरे साथ रहो माना मेरे संग उठो, मेरे संग सेवा करो। जो मैं करता हूँ वो करो, जो मैं खाता हूँ वो खाओ, जो मैं जिस स्थिति में मैं रहता हूँ उसमें रहो। तो जब तुम दिनचर्या मनचर्या बाबा के हिसाब से चलाएंगे तो विघ्न भी पार हो जाएगा, और ऐसे सहज बाबा को साथी बनाकर कदम कदम आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की मंजिल है वह जल्दी मिल जाएगी, है ना। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपने विकल्प के दरवाजे बंद कर दें। हमने मात पिता को पहचान लिया, हम उसके बन गए, अब बाबा के साथ रहना है, जीना है, जाना है, बस खत्म बात, है ना। और जो भी बात आती है उसको बाबा की याद से सदा सहयोगी सदा योगी रहकर पार करना है और आगे जाना है, और धीरे धीरे ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो हाथ नहीं छोड़ते उनको तो मैं मंजिल तक ले ही जाता हूँ, ठीक है। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा आज हमें कहते हैं तुम बच्चे प्रैक्टिकल में बाबा को शुक्रिया कहते हो, है ना। देखो दुनिया में भी ना आजकल तो बहुत ये बात होती है कि भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, है ना। कहते हैं शुक्राना करो, शुक्रिया करो, है ना। और मनुष्य जब शुक्रिया करता है तो किस चीज़ के शुक्रिया करता है। कहते हैं आपने मेरे सर पे छत दी है उसका शुक्रिया, फिर छत गिर जाए तो क्या करेंगे। हाँ, छत गिर गई तो क्या कहेंगे, शुक्रिया वापस, कल छत थी आज नहीं है तो शुक्रिया वापस लेते हैं, ऐसा है ना। तो हम जो दुनिया में तो भौतिक चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, शुक्रिया करते हैं, है ना। मुझे एक बार एक कोई कह रहे थे कि मुझे जैसे कोई तकलीफ है शरीर में, है ना, तो मानो पेट बहुत दर्द करता है, और जिस दिन दर्द नहीं करता तो मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि भगवान आज मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ, बहुत शुक्राना। लेकिन जैसे ही करती हूँ फिर होने लगता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है भगवान पे कि है ना, अभी शुक्रिया भी किया लेकिन फिर पेट में दर्द हो गया। तो ये जो दुनिया में ये जो शुक्रिया करते हैं ये वास्तव में शुक्रिया क्या है, ये तो भौतिक चीज़ों का है ना। अब भौतिक चीज़ें या ड्रामा की सीन या परिस्थितियाँ ये तो सब समय या ड्रामा के अनुसार होती हैं, उसमें उसमें एक रस कभी नहीं हो सकता, है ना। कभी भी हर चीज़ एक जैसी नहीं चल सकती। इसीलिए जब हम भौतिक चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया करते हैं तो शुक्रिया भी अविनाशी नहीं होता, क्योंकि जिन चीज़ों का शुक्रिया करते हैं वो भी अविनाशी नहीं होती, तो शुक्रिया भी अविनाशी नहीं होता, क्योंकि फिर जैसे ही उसमें परिवर्तन होता है तो फिर वो शुक्रिया भी बदल जाता है। और दूसरी बात ये भी है, मानो परिवर्तन नहीं भी हुआ, है ना, एक जैसा अभी चल रहा है तो भी भय रहता है उसमें, है ना, कि भगवान आज तो अच्छा चल रहा है कल भी अच्छा चले, या एक मंगतापन होता है कि बदल ना जाए ठीक चले। तो बाबा कहते हैं वो जो शुक्रिया है वो तो ऐसे थ्योरी वाला शुक्रिया है, दिल से नहीं होता, क्योंकि वो जो भौतिक चीज़ें हैं वो तो परिवर्तनशील है, विनाशी है, और इसीलिए वो शुक्रिया भी अविनाशी नहीं होता। लेकिन अब प्रैक्टिकल में जो दुनिया में कहते हैं ना कि निरंतर दिल से
बाबा के लिए थैंक यू निकले, वो निरंतर थैंक यू अभी हम बच्चों के दिल से निकलते हैं, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं, बाबा अभी प्रैक्टिकल में आके हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिन कर्मों के कारण हमें सुख मिलता है ना। और जब आत्मा को सुख मिलता है तो उसको शुक्रिया दिल से निकलते हैं। दुनिया में समझते हैं भौतिक चीज़ों से सुख मिलता है तो चीज़ों के लिए शुक्रिया करते हैं या संबंध के लिए करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सुख का संबंध है श्रेष्ठ कर्म से। और जब तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो जो बाबा सिखाते हैं, तो वो जो श्रेष्ठ कर्म है वो करने वाली आत्मा की दिल सदा सुख में रहती है, और ऐसी सुख स्वरूप आत्मा निरंतर बाबा के शुक्राने के गीत गाती है ना। और प्रैक्टिकल में ये जो शुक्रिया की बात है वो हम बच्चों से आती है, क्योंकि हम बच्चे अभी बाबा से ऐसे कर्म सीखते हैं जो कर्म हमें सदा सुख स्वरूप बनाते हैं। और आज बाबा हमें कहते हैं कर्मों की गति बड़ी गुह्य है ना, कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। क्या है वो गुह्य कर्म की गति जो बाबा हमें समझाते हैं? तो वैसे तो कर्म की गति के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बारे में आज हम एक दो तो बातें समझेंगे, जिन कर्मों को बाबा हमें सिखलाते हैं और जिन कर्मों के कारण हमारे दिल से बाबा के लिए हमेशा शुक्रिया निकलती है, वो श्रेष्ठ कर्मों की गति ये है कि श्रेष्ठ कर्म वो होते हैं जो ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, पवित्र स्वरूप और सेवा भावना में किए जाते हैं, है ना। श्रेष्ठ कर्म कौन से होते हैं? ज्ञान स्वरूप, बाबा की याद में रहकर पवित्र आत्मा सेवा भाव के साथ जब कर्म करती हैं तो वो कर्म बनता है श्रेष्ठ कर्म। उस श्रेष्ठ कर्म से हम आत्मा सुख स्वरूप बनते हैं, और हमारे दिल से बाबा के लिए भी, हर आत्मा के लिए भी, स्व के लिए भी सदा शुभ भावना, शुभ कामना होती है। बाबा के लिए शुक्राना और सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। अब कर्म जो है वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों किया जाता है, चाहे हम संकल्प रचें, चाहे हम बोल बोलें, चाहे हम कोई लेन देन करें, हाथों से कोई कर्म करें, धन को यूज़ करें, कुछ भी करें, लेकिन जब आत्मा की अवस्था ज्ञान स्वरूप होती है, आत्मा बाबा की याद में है, पवित्र है और सेवा की वृत्ति है आत्मा में, तभी जाकर वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बनता है। इसीलिए जब तक हम बाबा को नहीं जानते, जब तक हम बाबा से पढ़ते नहीं, जब तक हम बाबा से सीखते नहीं, तब तक श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में आजकल हम देखते हैं ये भी एक फैशन हो गया है कि कई बार कोई सेंटर पर आता है तो पूछते हैं हमें कर्म की फिलॉसफी समझा दो, है ना। लेकिन कर्म कोई फिलॉसफी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ श्रेष्ठ कर्म एक शक्तिशाली आत्मा की संपत्ति है, कमज़ोर आत्मा श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकती। गुड कर्मा इज़ द प्रिविलेज ऑफ अ पावरफुल सोल। अगर हम शक्तिशाली आत्मा नहीं हैं तो हम चाहे कितना भी करना चाहें श्रेष्ठ कर्म, हम श्रेष्ठ कर्म कर नहीं सकते। और बिना सर्वशक्तिवान को जाने हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा हमें ज्ञान का बल, याद का बल, पवित्रता का बल और सेवा की वृत्ति का बल भरते हैं। और जब हम इस बल को धारण करते हैं अपने अंदर, तब एक संकल्प भी आत्मा रचती है ना, तो संकल्प आत्मा को रिटर्न में बहुत सुख देता है। आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप मनसा सेवा भी करते हो, है ना, जब आप मनसा सेवा भी करते हो, आप बैठकर बाबा की याद में एक श्रेष्ठ संकल्प रचते हो,
कि बाबा मेरे द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा रहे हैं। तो जैसे आपको अंदर दिल में बहुत भरपूरता का अनुभव होता है, क्यों? क्योंकि शक्तिशाली स्थिति में दाता बनकर जब आत्मा संकल्प भी रचती है ना, तो वो भी श्रेष्ठ कर्म में जाता है और उससे अनेक आत्माओं को ताकत मिलती है और उन आत्माओं की दुआएं हम आत्मा को मिलती हैं और उससे हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है। तो बाबा कहते हैं धन, बाबा हमें कहते हैं धन का एक एक कणा जब सेवा भावना से पवित्र अवस्था में ज्ञान स्वरूप आत्मा, योगी आत्मा जब ईश्वरीय यज्ञ में एक एक कणा स्वाहा करती है ना, तो उस कणे के बदले बाबा कहता है उस आत्मा को स्वर्ग में महल मिलते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तन मन धन कुछ भी लगाया, जब हम आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति और सेवा भावना से उसको कार्य में लगाते हैं तो श्रेष्ठ कर्म बनता है। और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा सदा बहुत सुख का अनुभव करती है। उसको ऐसा लगता है जैसे वो तो बाबा की दुआओं में पल रही है, जैसे विश्व की सर्व आत्माओं की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं उसको मिल रही हैं। और उसको ऐसा लगता है जैसे जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं है, सब कुछ जैसे बाबा गोदी में बिठा कर इस पार से उस पार ले जा रहा हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा जिसको ऐसा अनुभव है बाबा के प्यार का, शक्ति का, वही सारे दिन रात शुक्राना के गीत गा सकते हैं, है ना। बाकी वैसे शुक्राना करना जैसे हम भौतिक चीज़ों के लिए करते हैं, वो तो अभी अभी किया और अभी अभी वो परिवर्तन हो जाता, वो शुक्राना भी परिवर्तन हो जाता। इसीलिए बाबा आज हमें कहते हैं कि प्रैक्टिकल में अभी तुम बाबा को शुक्रिया करते हो, क्योंकि बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं और कर्मों की गति बहुत गुह्य है ना। ज्ञान स्वरूप योगी पवित्र और सेवा वृत्ति वाली आत्मा ही श्रेष्ठ कर्म करती है, वरना बाबा कहते विकर्म होता है। वरना क्या होता है, जहाँ पर आत्मा देहाभिमान में है, जहाँ आत्मा का बाबा से योग नहीं है, ज्ञान नहीं है, पवित्रता नहीं है, सेवा की वृत्ति नहीं है, मैंपन मेरापन है, वहाँ आत्मा कुछ भी करती है उसका विकर्म ही बनता है। पर पक्का लगता है ऐसा कि विकर्म बनता है? हाँ, कैसे पता चलता है? देखो आज मनुष्य जो कर रहा है उसी के कारण दुखी है ना। देखो व्यक्ति बच्चे संभालता है, परिवार को संभालता है, सब कुछ करता है और अंत में कहता है कि है ना मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने सारी जीवन सबका किया लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं है। अब आप देखो एक मनुष्य ने अपनी सारी जीवन लगाई और अंत में वो दुखी क्यों होता है? अब सारी जीवन उसने कर्म किया ना, किसी के लिए भोजन बनाया, किसी के लिए है ना कोई सुविधाएं दी, किसी की पालना की, फिर वो अंत में दुखी क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ मैंपन मेरेपन से करता है इसीलिए दुखी होता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक युगल आते थे, बुज़ुर्ग थे शरीर के रूप से, तो मुझे हमेशा कहते थे कि आजकल जो है ना बड़ा दुख होता है दिल में, क्योंकि जिन बच्चों को पाला पोसा वो आज पूछते नहीं हैं, मुड़ के देखते नहीं हैं, है ना। इसी दिन के लिए क्या पाला पोसा था, और आज बड़ा खेद होता है कि इतनी पालना करने के बाद आज हम तो अकेले रह गए, वो तो अपने अपने जीवन में सेटल हो गए। और कभी इतनी बड़ी नौकरी करता है बेटा, लाखों की करोड़ों की सैलरी है, मुझे कभी 10 रुपए की चीज़ भी पूछता नहीं है, ये भी नहीं पूछता मम्मी आपको 1,000 रुपये दे दूँ, है ना। तो ऐसे करके बता रही थी माता। तो मैंने उनको पूछा आपके पास 1,000 रुपये नहीं है? तो मुझे कहती नहीं 1,000 रुपये क्यों, हम वैसे कोई हमें कमी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी नौकरी में थे, पेंशन है, सब कुछ है। लेकिन दीदी बुरा तो लगता है ना कि बच्चे ने पूछा नहीं, बच्चे को तो इसी दिन के लिए जन्म देते हैं ना व्यक्ति। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ,
आपके पास वैसे तो कोई कमी नहीं है, है ना? आप चाहे एक मात पिता जो चार बच्चों को जन्म देकर पालना करके इतना लायक बना सकते हैं, क्या उनके अंदर अपने को पाल पाल पोस कर बड़ा करने की ताकत नहीं है क्या? अपनी संभाल करने की ताकत नहीं है क्या? तो मुझे कहती, हाँ नहीं ताकत तो है दीदी। मैंने कहा देखो, शरीर के रूप से भी आप अपने को संभाल पा रहे हो, धन के रूप से भी आपको कोई कमी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने अपने मन को ढीला किया हुआ है। छोटी सी बात है ना, कि आपने मन को ढीला किया हुआ है। आपको कोई उसके 1,000 रुपए के मोहताज तो है नहीं आप, लेकिन आपने मन में बिठा लिया है कि हमने इस दिन के लिए पैदा किया था, वो पूछता नहीं है। तो मैंने उनको कहा, आप मुझे एक बात बताओ, जब वो पैदा हुए खुश नहीं हुए आप? तो कहती, हाँ खुश हुए। कहते कहते भी हंसने लगी। फिर मैंने कहा, जब वो पहली बार चले, पहली बार खाए, स्कूल गए, मार्क्स लाए, सब में खुश हुए आप, है ना? फिर आज वो सारा भूल के आप कहते हैं कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, आज आज पूछते नहीं, आज 1,000 रुपये नहीं देते, तो उसका दुख है। तो आत्मा ने तो इंस्टॉलमेंट में बहुत खुश किया ना, अब उसमें उससे कंप्लेंट क्यों रखनी है? अब आप इस बात को जाने दो। अब आप सोचो कि जैसे हमेशा मैंने पूछा है ना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही आप अभी भी उसको पूछना। जब भी मिले तो कोई कंप्लेन नहीं, दिल से भी नहीं, मुख से भी नहीं, उसको पूछना, बच्चे तुम्हें कुछ चाहिए? तो ऐसे करके चलना। तो आप देखो कि मनुष्य आत्मा जो होती है, जैसे ही मंगता स्वरूप हो जाती है ना, तो कितनी दुखी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं, मनुष्य जो है सब कुछ करता है, लेकिन मेरापन रखता है। मेरापन रखता है तो एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन होती है तो दुख होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मनुष्य आत्मा जो दे अभिमान के वश है, चाहे देखने में वो कितना ही अच्छा कर्म कर रही है, चाहे वो पालन पोषण दान पुण्य भी करते हैं, तो सोचते हैं हमारा नाम है ना दर्ज करवा दें, या नाम अनाउंस करें, या हमारे को जैसे कोई फूल माला पहनाए, या कुछ और सम्मानित करें। तो मनुष्य के अंदर क्या है कि जैसे ही एक्सपेक्टेशन आती है तो दुख आता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य आत्मा देह अभिमान में कोई भी कर्म करती है वो विकर्म ही बनता है, क्योंकि देह अभिमान के बीज में ही दुख का बीज होता है। जहाँ देह अभिमान है वहाँ मैंपन होगा, मेरापन होगा, एक्सपेक्टेशन होगी और डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी। लेकिन जब हम आत्मा समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मेरे गुण क्या है, अपने पवित्र स्वरूप दाता स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हमारे द्वारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बनता है, और उस कर्म को करके हमें परम गुणा सुख भी अनुभव होता है, और बाबा के लिए दिल से शुक्रिया भी निकलती है। तो ये भी आज बाबा हमें बताते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, आत्मा को पहलवान बनना है ना? तो आत्मा को पहलवान बनने के लिए बाबा ने हमें याद की दौड़ी और ज्ञान का भोजन दिया है ना? तो ज्ञान का भोजन जितना खाएंगे और याद की दौड़ी लगाएंगे तो पहलवान बनेंगे। और फिर बाबा कहते हैं, जितना याद की दौड़ी लगाएंगे उतना पहलवानी होगी, तो माया पर विजय पाएंगे। अब आप देखो, कोई भी पहलवान होता है, चाहे आप डिफेंस फोर्सेस में देखो, चाहे वैसे देखो, जो भी पहलवान होते हैं या जो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, वो कब करते हैं? जब युद्ध नहीं होता है ना, जब युद्ध नहीं होता तब ट्रेनिंग की जाती। तो हमें भी बाबा ने कहा है कि जो स्वदर्शन चक्र फिराना, या बाबा की याद का अभ्यास करना, या मुरली सुनना, ये सब कब होना चाहिए? मुरली भी सुबह सुबह सुन लो, 5 बजे मुरली चली जाती है ऑनलाइन, 5 बजे सुन लो, 4 बजे सब सोए हैं, उठ के योग लगा लो, स्वदर्शन चक्र फिरा के अपनी स्थिति को बिल्कुल शक्तिशाली अवस्था में स्थित कर दो। फिर बाबा कहते, सारे दिन कोई भी माया का वार होगा ना, माया क्या करती है,
माया हमेशा कैसे शुरू होती है? माया का वार जब हम पर दर्शन करना शुरू करते हैं, है ना, जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, दूसरी आत्मा के व्यवहार को सोचते हैं, उसके अवगुण को देखते हैं, भविष्य की चिंताओं में फंसते हैं, तब माया का वार होता है। लेकिन अगर सुबह सुबह बाबा की याद और स्वदर्शन चक्र फिराने का बल जमा किया होगा ना, तो उस समय पर दर्शन के बजाय स्वदर्शन होगा, है ना। उस समय परिस्थिति कितनी बड़ी है, उस समय ये याद आने की बजाय कि ये आत्मा क्या कर रही है, आपको याद आएगा मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ और मेरी शक्ति क्या है। और जैसे ही आपको अपना स्वरूप, अपनी शक्तियाँ, अपने गुण याद आ जाएंगे ना, तो आप परिस्थिति से ऊंचे हो जाएंगे। स्वस्थिति में स्थित आत्मा परिस्थिति से ऊंची होती है, और फिर परिस्थिति आपको कुछ भी नहीं लगेगी, आपके अंदर ना आकर्षण ना विकर्षण कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बाबा रोज़ हमें डोज देते हैं, रोज़ बाबा आके बैठ जाते हैं ना अमृत वेले, और बाबा कहते हैं मेरे सम्मुख आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें याद की यात्रा करा रहा हूँ, तुम्हें तीनों कालों का चक्र लगवा रहा हूँ, तुम्हारे आदि अनादि स्वरूप में स्थित कर रहा हूँ, मेरे साथ तुम होते जाओ स्थित, और सुबह सुबह ज्ञान का भोजन खा लो। फिर क्या होगा, सारे दिन में माया जब तुम्हें प्रदर्शन करने के लिए आकर्षित करेगी या भय लाएगी कि थोड़ा तो सोचो इसके बारे में, ये बात हो सकती है, वो हो सकती है, तो वहाँ पर तुम्हें ये जो शक्तिशाली स्थिति है ये आकर्षण विकर्षण के चक्र से बचाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं पहलवान बनना है, माया को परास्त करना है, तो याद की दौड़ी लगाओ और स्वदर्शन चक्र फिराओ और ज्ञान का भोजन खाओ। ओम शांति।